तो अब बात जो है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई कभी किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत जो है यहाँ बात कर लीजिए। सर आज अधिकारियों को सम्मानित किया गया, किस उसमें सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कल जन्मदिन था और हम ये चाहते हैं कि हमेशा जो श्रेष्ठ कार्य करे उसको प्रोत्साहित किया जाए। ये परंपरा भी हमारे यहाँ है, उसी परंपरा का पालन करते हुए हम प्रमुख रूप से जो काम करते हैं, धान खरीदते हैं, गेहूँ खरीदते हैं, इनमें जिन लोगों का एक अच्छा रोल रहा है खरीदने में और सारे परफॉर्मेंस में, उन सबको पुरस्कृत किया है। और समिति से लेकर और ऊपर जो हमारे मंडल स्तरीय अधिकारी है वहाँ तक का सबको सम्मानित किया। 7,500 समितियाँ हैं, ऐसे में सर किसानों को तमाम समस्या होती है, उसके लिए इस बार कुछ नया मैप बनाया गया जिसके लिए कोई नई तरीके से लगातार उस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इन समितियों को नया काम देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और आपको हम बताएं, अच्छा ये है कि पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से हम लोगों ने देखा है हमारी घाटे की जो समितियाँ थी वो अब उभर रही हैं, हालांकि वो संख्या बहुत कम है। जहां 7,000 की संख्या में यदि हम कहें कि हमारी 100 के लगभग समितियाँ उभर गई हैं, 100 भी नहीं, कुछ कम है, 98 हैं, वो उभर गई हैं, तो आपको लगेगा आश्चर्य है, लेकिन गिरावट की ओर नहीं, अब हम सुधार की ओर बढ़ रहे हैं। आज 98 हैं और कल वो और ज़्यादा होंगी। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, इस मौके पर आपकी तरफ से कोई संदेश? हमने प्रारंभ में ही कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का, जो आज केवल देश के नेता नहीं, विश्व में जिन्होंने स्थान प्राप्त कर लिया, व्यक्तिगत जिनके पास कुछ नहीं है, जो भी कुछ है सब राष्ट्र को समर्पित है, ऐसे समर्पित पुरुष के जन्मदिवस पर हम लोग हमेशा चाहेंगे लोग उनको ढेर सारी बधाई, देश को भी बधाई कि इतना यशस्वी नेता मिला है, और साथ ही साथ जो श्रेष्ठ काम करते हैं उन सबको पुरस्कृत करने का हम लोग काम करेंगे। भैया मोबाइल नीचे कर लीजिए भाई साहब। हाँ सामने सामने देखो भैया, मोबाइल भैया मोबाइल।